कई मुसीबतों के बाद एक बार फिर आया है सलमान खान के घर खुशी का मौका। उनकी बहन अर्पिता खान और हस्बैंड आयुष शर्मा का हाल ही में रखा गया एक ग्रैंड रिसेप्शन। अर्पिता और आयुष की शादी तो पिछले साल नवंबर में हो गई थी, लेकिन अभी तक अर्पिता के इन-लॉज को नहीं मिला मौका अपने होम टाउन मंडी हिमाचल प्रदेश में अपनी बहू का स्वागत करने का। आयुष की फैमिली की तरफ से ये रिसेप्शन तो पहले ही होने वाला था, लेकिन सलमान के कोर्ट केसेस के कारण इसे किया गया था पुश। अब जब सलमान की थोड़ी परेशानियां कम हुई हैं, मंडी में रखा गया अर्पिता और आयुष का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन। इस वेडिंग रिसेप्शन में सबका ध्यान दुल्हन के भाई सलमान खान पर ही था। सलमान ने यहां की एक ग्रैंड एंट्री अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में। द एक्टर अराइव्ड इन हिज प्राइवेट राइड विद ब्रदर सोहेल एंड अरबाज खान। सलमान से मिलने उनके हजारों फैंस की भीड़ यहां हो गई थी इकट्ठा। सलमान ने अपने सभी फैंस को किया ग्रीट भी। रिसेप्शन वेन्यू पहुंचने के बाद सलमान ने किया चेंज एंड arrived outside all suited up to greet his fans once again. Salman ke saath Arpita aur Ayush bhi aaye nazar. Arpita looked beautiful in her red attire. Salman ki mummy Salma Khan bhi unke saath dikhi. Arpita aur Ayush ke is grand wedding reception ke baad Salman ab jald hi laut jayenge apne kaam par. Bajrangi Bhaijaan ki shooting to Salman ne khatam kar di hai, lekin abhi bhi Suraj Barjatya ki Prem Ratan Dhan Payo ki shooting baki hai. In do big releases ke siva Salman ne abhi कोई और फिल्म नहीं की है फाइनल। The actor who was supposed to star in Karan Johar's Shuddhi has backed out of the project and has suggested Varun Dhawan's name for it.